सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। बच्चों, अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ दिनांक लिखेंगे। आज दिनांक है 18 नवंबर 2020। हम यहाँ पर गृह कार्य लिखेंगे। बच्चों, आज हम सीखेंगे व्यंजन त्र। त्र से त्रिशूल। ये त्रिशूल का चित्र है। किसका? त्रिशूल। त्र से त्रिशूल, त्र व्यंजन। कौन सा व्यंजन? त्र, त्र त्रिशूल। तो देखिए, त्र व्यंजन हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम बिंदु से बिंदु मिलाकर एक सीधे लाइन खींचेंगे। उसके बाद में हम बीच बीच से, बिल्कुल जो बीच वाली लाइन जा रही है ना, इस लाइन से टच करते हुए हम एक लाइन खींचते हुए हल्की सी नीचे के लिए मूव करेंगे। ठीक है, फिर से हम दूसरी लाइन, यहाँ से दूसरी लाइन खींचेंगे। ऐसे बन गया हमारा त्र व्यंजन। फिर से देखिए, बिंदु से बिंदु मिलाकर सीधी लाइन खींची। फिर हमने क्या किया? हमने बीच में से एक लाइन खींचते हुए हल्का सा नीचे के लिए मूव कर दिया, और फिर दूसरी लाइन भी हमने वहीं से खींच दी। ऐसे त्र त्रिशूल, बिंदु से बिंदु मिलाकर लाइन खींचा, सीधी लाइन खींचते हुए थोड़ा सा मूव किया, फिर से एक लाइन खींच दी, बन गया त्र त्रिशूल। बिंदु से बिंदु मिलाकर लाइन खींचा, एक सीधी लाइन खींच के हल्का सा नीचे मूव किया, और फिर से एक लाइन खींच दी हमने, त्र त्रिशूल। तो इस तरीके से आपको त्र से त्रिशूल, त्र अक्षर आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना होगा। दूसरा है आपका बुक वर्क। बुक वर्क भी आपको त्र त्रिशूल ही लिखना होगा। सबसे पहले आपको ट्रेसिंग करनी है, उसके बाद में आपको फिर यहाँ लिखना है। देखिए, ट्रेसिंग कैसे करनी है? हमें लाइन खींची, हल्का सा ऊपर के लिए लाइन खींचते हुए थोड़ा सा मूव किया, और फिर से एक लाइन खींच दी, लाइन खींची। यहाँ पर हमें लिखना है बिंदु से बिंदु मिलाकर लाइन खींची, एक लाइन खींचते हुए हल्का सा नीचे के लिए मूव किया, और एक सीधे लाइन खींच दी, लाइन खींची, लाइन खींचते हुए हल्का सा मूव किया, और एक सीधे लाइन खींच दी, बन गया त्र से त्रिशूल। तो आपको ये वर्क आपकी हिंदी की बुक में करना है। नोटबुक और बुक दोनों का वर्क आपको करना है। ओके बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बाय बाय।